हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हो। सो मैं रेडी हो चुका हूँ। कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, ये सब कुछ आपको मालूम पड़ेगा। ये सब कुछ देखने के लिए, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। सो मैं जा रहा हूँ, आपको पहले दिखा देती हूँ कि कहाँ जा रही हूँ। वो देख रहे हैं ना आप टीवी, उस टीवी पे एक बंगाली चैनल है जिनका नाम है जी बांग्ला। जी बांग्ला पर एक शो होता है, गेम शो, जिनका नाम है दीदी नंबर 1। सो मैं उस गेम शो की ऑडिशन के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत अच्छा अच्छा गेम होता है। सो बहुत एक्साइटेड हूँ उस शो पर पार्टिसिपेट करने के लिए। उस पार्टिसिपेट करने से पहले ऑडिशन देना पड़ता है, तो ऑडिशन के लिए जा रहा हूँ आज। पता नहीं मैं सिलेक्ट होंगी क्या नहीं होंगी, लेकिन मुझे जाना है। क्या होता है क्या नहीं होता है, बुरा सोचकर मैं नहीं जाऊंगी तो अपने मन पर एक दुख हो जाता है। सो मैं जाती हूँ। अगर नहीं होता है तो थोड़ा सा खराब लगेगा, और अगर होता है तो अच्छा लगेगा। सो क्या होता है क्या नहीं होता है यार, मुझे भी मालूम नहीं है, और आप सबको मैं मुझे जो मालूम नहीं है तो आप सबको मैं क्या बताऊँ। कैसे जाना पड़ता है ऑडिशन के लिए, किस नंबर पर व्हाट्सअप करने से ऑडिशन ऑडिशन के लिए आपको बुलाया जाता है, और कहाँ पर हो रहा है इस ऑडिशन में, एड्रेस सब कुछ आप लोगों को दे दूंगी इस वीडियो की एंड एंड तक देखते रहिए। मैं एंड पे बोल दूंगी, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ ना। सो अभी वो सब बोलने का टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे जाना है। और मैं आकर सब कुछ धीर से, मतलब शांत शांत से बैठकर आप सबको बताऊंगी। वो मुझे हिंदी अच्छे से नहीं आता है ना, थोड़ा सा बोलने में तकलीफ हो रहा है, तो आप लोग समझ लेना। आई होप मैं उतना भी खराब नहीं बोलती हूँ हिंदी। चलिए, बहुत ज़्यादा बकबक बकबक कर लिया, अभी मुझे जाना है। और आप लोग देखते रहिए मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ इस पूरे दिन पर। तो चलिए बाद में बात करते हैं और आप सबको सब कुछ दिखाते हैं। सो गाइज, मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ, और ये है मेरा फुल लुक। एक बैग ले लिया है मैंने, उस पर पासपोर्ट साइज फोटो देना पड़ता है। वहाँ पर एक फॉर्म देगा, उस फॉर्म पर फिलअप करना पड़ेगा, और उस पर एक पासपोर्ट साइज फोटो छिपकाना पड़ेगा। एक पासपोर्ट साइज फोटो ले लिया है मैंने। अभी जा रहा हूँ, अभी मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, तो आप लोग देखते रहिए, बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। मैं स्टूडियो पे आ चुकी हूँ, अभी अंदर जा रही हूँ। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ एंड नर्वस भी हूँ। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। आप लोग भी देखिए और मैं भी देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। गाइस, मैं स्टूडियो के अंदर आ चुकी हूँ और अभी जा रही हूँ जहाँ पे ऑडिशन हो रहा है। फुल व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को, क्या है अंदर और क्या नहीं है, मुझे भी मालूम नहीं है। और जब मैं वीडियो कर रही थी तो उन लोगों ने बोला कि वीडियो करना अलाउ नहीं है, नॉट अलाउ वीडियो। यहाँ पे वीडियो करने का अलाउ नहीं है, तो मैंने फॉर्म ले लिया है और फिलअप भी कर दिया है। अभी लाइन है बहुत ज़्यादा, तो लाइन पे हूँ। अब देखते हैं कब डक बुलाते हैं वहाँ पे। तो ये मेरा फॉर्म। ये देखिए, स्टेज का सामान यहाँ पर पड़ा है, डांस बांग्ला डांस, और ये बड़ा सा स्टूडियो है।
यहाँ पे सूट होता है। मेरा ऑडिशन ख़त्म हो चुका है, अभी मैं घर जा रही हूँ। बहुत टाइम लगा यहाँ पे, 2 घंटा या 3 घंटे लगा। सो अभी मैं घर जा रही हूँ, तो चलिए। और दोपहर भी हो चुकी है, भूख भी लगी है, सो जाते हैं घर। ये स्टूडियो है, यहाँ पे ऑडिशन हुआ। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रेस्टोरेंट पे, अभी यहाँ पे खाना खाएंगे। बहुत ज़ोर से भूख लगी है, खाना खाने के बाद घर जाएंगे। और उसके बाद मैं आप सभी को मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आज का। तो चलिए खाना खा लेते हैं पहले। हम लोगों का यहाँ पे खाना वाना सब हो चुका है, अभी घर जा रहे हैं। शुभ काम के लिए गए तो मुंह मीठा तो करना बनता है, तो इसलिए घर के लिए मिठाई ले रही हूँ यहाँ पे। सो मिठाई लेने के बाद हम फाइनली घर जाएंगे और रिलैक्स करेंगे, और रिलैक्स करके आप लोगों के साथ बात करेंगे। घर पे आने के बाद मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, और अभी मैं 2-3 डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। दीदी नंबर 1 के ऑडिशन पर जाने के मतलब, जब आप जाओगे तब एक छोटा सा पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले लेना, क्योंकि वहाँ पर फॉर्म देता है और फॉर्म पे वो फ़ोटो चिपकाना पड़ता है। और उसके बाद फॉर्म पे जो डिटेल्स आपके बारे में मतलब देना चाहिए आप दे दीजिएगा। और उसके बाद मैं गई थी कोलकाता के राजारहाट पे, एक लोकेशन है, एक स्टूडियो है, उस स्टूडियो पे गई थी मैं। और ऑडिशन मेरा अच्छा हुआ, पता नहीं चांस होगा कि नहीं खेलने का, टीवी पे देख मुझे टीवी पे दिखाई देगा कि नहीं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। आई थिंक मेरा नसीब ख़राब है, इसलिए ऑडिशन पे मैं सिलेक्ट नहीं होंगी। 99% मैं श्योर हूँ कि मैं सिलेक्टेड नहीं होंगी। तो जाने दीजिए उस बात को, मैं गई एक्सपीरियंस की यही बहुत है मेरे लिए। सो एड्रेस मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, कोलकाता पे कहाँ पे ये ऑडिशन होता है, मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और फ़ोन नंबर, जिस नंबर से व्हाट्सएप करने के बाद आपको कंफर्म करेगा कि आप जाओगे कि नहीं वहाँ पे ऑडिशन देने के लिए, सो वो नंबर अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर, मैं कमेंट पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो चलिए आज के वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ, और एक नए वीडियो के साथ फिर से दोबारा जल्दी आप लोगों के साथ मुलाकात हो जाएगी। और मुझे हिंदी इतना ज़्यादा नहीं आती है, मालूम नहीं कि मैंने वीडियो क्या किया हिंदी में, फर्स्ट वीडियो है मेरा हिंदी में। सो कुछ भी मालूम नहीं है कैसा हुआ कि मेरा हिंदी का जो लैंग्वेज मैं आप लोगों के साथ बोल रही हूँ वो क्या हुआ इस वीडियो में, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे
तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोग हिंदी में ब्लॉग चाहते हो या बंगाली में ही अच्छा है या फिर हिंदी में ही अच्छा है, कि आप लोगों को लगता है कि मैं हिंदी में ही ब्लॉग करूँ या फिर बंगाली में ब्लॉग करूँ, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कुछ भी डिटेल्स चाहिए दीदी नंबर वन के ऑडिशन के बारे में तो आप लोग मुझे बोल देना, उसके बारे में 101% डिटेल्स जितना मुझे मालूम है मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी अगर आप लोगों को चाहिए तो, नहीं तो नहीं चाहिए अगर तो मैं इस वीडियो में बोल के क्या करूंगी, अगर चाहिए तो मैं बोल दूंगी, इसलिए मैं इस वीडियो में और कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। तो चलिए दूसरा वीडियो में मिलते हैं, तो तब तक के लिए टाटा, आप लोग बहुत ही अच्छे रहिए एंड खुश रहिए।